അന്ത്യകാലാഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും ഒത്തുകാല സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ അന്ത്യകാലാഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും ഒത്തുകാല സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ लेकिन
ऐसा हो गया उड़ाल पुत्र का संपत्ति तो उन्होंने उड़ा दिया दोस्तों के संग। जब पैसा खत्म हो गया एक भी दोस्त लोग एक ग्लास पानी पिलाने के लिए उनके पास नहीं था। आखिरी में ऐसा नौ बताया वो सुअरों को चराने का काम के लिए वहां का एक सेठ करने गया। सेठ ने उसको सुअरों को चराने का काम दिया लेकिन आखिरी में ऐसा परेशानी आया सुअर खाने वाला खाना भी उनको नहीं मिला। तब वो सोचने लगा मेरे घर में कितने मजदूर लोग जरूरत से ज्यादा खाया करके देखते हैं, मैं तो उनका सबसे छोटा पुत्र है, सब लोग मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। पुराने अनुभवों को जब पप्पा के घर में रहता था उन्होंने याद करने लगा लेकिन आज मेरे वस्त्र को उन्होंने देखा फटा फटा वस्त्र डेली दो जोड़ी कपड़ा पहनने वाला युवराजा आज देखो फटा फटा कपड़ा कितना दिन हो गया ये पहनकर। हालेलुया हालेलुया मस्त रूम में सोने वाला डलम खाली बेड में सोने वाला ये पुत्र अभी सुअरों के संग इतने बदबूदार अवस्था में खाना भी सुअर खाने वाला भोजन भी उनको नहीं मिल रहा है। तब उनका मुंडी खुल गया वो अपने आप में आया वो सोचने लगा मेरे पिता के घर में कितने लोग जरूर से ज्यादा भोजन खाते हैं। तीन प्रकार का सेवक लोग उनका पापा के घर में है, एक पापा के साथ पीए घूमते हैं पर्सनल असिस्टेंट वो पापा के साथ रहता है, दूसरा कामों को करवाने वाला सुपरवाइजर लोग रहते हैं, तीसरा काम करने वाले लोग रहते हैं, तीन मजदूर लोग उनका घर में है, कोई कमी नहीं। लेकिन ये लड़का का हाल ऐसा हो गया। ये दृष्टांत यीशु मसीह ने पूरे विश्व के लोगों से बातें किया है। पिता का घर से अगर आप जाएंगे आप स्थिति भी वैसी होगी। पिता से मुलाकात ना होने वाले कितने लोग इस धरती पर हैं? पिता ने इनको सृष्टि करके दुनिया में भेज रहा है। जितने अलग अलग जाति धर्म के लोग दुनिया में हैं उन लोग पूजने वाला वो शक्ति रही उनको जो बनाया उनको बनाया है यहोवा परमेश्वर। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। शक्ति करने वाला यहोवा परमेश्वर और उनको लूटने वाला उनको घात करने वाला उनको नष्ट करने वाला दूसरा शक्तियां। हम लोग सब उनके चुंबन में थे लेकिन आज उनके हाथों से हम छुड़ गया। यीशु मसीह ने हमको छुड़ाया। मित्र ये लोग हाथ उठाकर बोल रहे हैं हाँ यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया। मेरे घर को बर्बाद कर रहा था बीमारी से बर्बाद कर रहे थे और शैतान मेरे घर में रहकर मेरे बच्चों को मेरे परिवार को सत्यनाश कर रहा था लेकिन एक दिन यीशु का सुसमाचार मेरे घर में पहुंचा। अब इनको अकेला इतना फैसिलिटी में जीने वाला मैं आज मेरा स्थिति कितना गिर गया। मैं कितना वैरायटी भोजन खाते थे मुझे एक प्लेट भी उठाने की जरूरत नहीं था। सेवक लोग आज्ञा लेने से आता था लेकिन उनको एक बात पता चला अब पापा मुझे घर में आने नहीं देगा। हेलो सभी लोग ध्यान से पापा घर में आने नहीं देगा। क्यों आने नहीं देगा? संपत्ति का आधा मैं जवान मेरे पापा से मांगा। मैं कई बार मेरे पापा समझाया बेटा ऐसा ना करो तू भाई के समान मेरा लगा करो ये सब तेरी है वो दोस्त लोग कुछ दिनों का है ये पैसा नष्ट हो जाएगा फिर तुमको छोड़कर चले जाएंगे तू मेरी बात मानो। ए ज्यादा बात मत करो ऐसा दे दो। वो पप्पा कितना रोया होगा
का सुना है, जवानी का खून है, दोस्त लोग उनको सब कुछ समझा के भेजा है, पापा ऐसा बोलेगा तो उनका भक्त नहीं मानता। सब कुछ नष्ट होने के बाद वो सोचा, अपने आपे में आने के बाद उनको समझ में आ गया, उनमें से कोई दोस्त अभी मेरे सामने नहीं है। उन्होंने घर में ले लिया, अब मेरे पापा के घर में चले जाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हालेलुया। 17, 18, 19 जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मेरे स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान ले। हालेलुया। मुझे बड़ा नौकरी नहीं चाहिए, मुझे पुत्र का दर्जा मुझे नहीं मिलेगा, ताकि मेरा पापा का संपत्ति का आदि संपत्ति को मैंने नष्ट किया, अब मेरा पापा मुझे उनका पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, मुझे नंबर वन मजदूर का काम भी नहीं मिलेगा, पापा और भाई के पीछे जो घूमता है, और यहां बोलने समय ये आएगा, सब क्या है, क्या है, क्या है, वो नंबर वन नौकरी मुझे नहीं करना है, सुपरवाइजिंग का काम मुझे नहीं मिलेगा, काम करवाने का काम मुझे नहीं मिलेगा, वो गौर उठाने वाला खेतों में हाल लिया जो कीड़ाणु होता है पेड़ पौधे को दूर करने वाला जो काम, वो काम मुझे चाहिए, वो काम करेगा तो भी यही दशा नहीं होगा, यहां रहने से मैं मर जाएगा, सुबह खाने वाला खाना भी मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे यहां से जाना होगा, तेरे पापा दयालु है, मुझे सबसे छोटा मजदूर गौर उठाने का काम देगा। वो वहां से चल दिए, लेकिन वो स्थिति आप नीचे पड़ेगा तो पता चलेगा, बेटा कितना भी बदमाश हो, बेटी कितना भी बदमाश हो, वो मां का दिल में पापा का दिल में हमेशा मेरा बेटा मेरे बेटी सुधर कर एक दिन आएंगे, एक दिन सुधर कर आएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पापा इनको देखते ही ये गंदा कपड़ा है, कई महीना का गंदगी इस कपड़ा में है, शरीर में है, लेकिन बेटा दूर से चल कर आ रहा है, उनका घर के ऊपर में बेटा का इंतजार करके बैठने वाला। हालेलुया। पिताजी दौड़ कर आने वाले को चुका देगी, अगर हमारा कोई सामान है तो बोलेगा इसका गंदा है, अब्दुल ने मेरा हमारा जो केरल के जो मंदिर है वहां कोई भी गंदे आदमी अगर कोई भीख मांगने वाला भी लेटेगा तो बोलेगा अशुद्ध कर दिया, अभी वो पूजा करना है, ये पूजा करना है, पूरा दौरा है। मैं कितने बार दुआया मंदिर में, कितने बार मैं मंदिर में दिया जलाया है, एक टॉवल पहने का, इधर चंदन, इधर चंदन, इधर चंदन, इधर चंदन, और पूरा चाहता है सौमन पुजारी था। हालेलुया। साल में 3 बार विशेष विधि से मैं मेरा बड़ा भैया लोग पुजारी लोग है, केरल में नामी पुजारी लोग है, मोहन शांति बहुत नामी है, मेरा बड़ा पापा का लड़का, वो मेरा कहने के मतलब 3 प्रकार के लोग है, एक पुजारी वर्ग, दूसरा पार्टी का नेता, तीसरा फिल्म स्टार लोग,
तीनों प्रकार के लोग मेरे घर में, लेकिन मैं यीशु मसीह का पुजारी बन गया। हालेलुया, ये सब भी आपको दूसरे जगह में नहीं मिलेगा। हालेलुया, और मेरा कहने के मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, वो बेटा एक मजदूर बनने के लिए गया, पापा उनके उंगली में प्रेस द लॉर्ड क्या पहना दिया, अंगूठा। अंगूठा का अर्थ क्या है, फिर से पुत्रत्व का पद ले लिया। क्या होने के लिए गया, सबसे साधारण मजदूर, लेकिन पापा बोला ये मर गया था, फिर से हाल लिया, जीवित हो गया है। अंगूठा मतलब पुत्रत्व का, उसका मतलब फिर से पुत्र का दर्जा दे दिया, नया कपड़ा पहनाया। क्योंकि उस समय में दास लोग, गुलाम लोग चप्पल नहीं पहन सकता था, बड़े सेठ के लोग सब चप्पल जूते पहन सकते थे, लेकिन ड्यूटी पहना है, उसका मतलब पापा अपना बड़ा भाई, उनका इनका बड़ा भाई के जैसे दर्जा दे दिया। हालेलुया, और मेरे कहने के मतलब आज पाप में संसार को छोड़कर सृष्टिकर्ता के पास आए हैं वाला। हालेलुया, लोग अगर समर्पण के साथ प्रभु के सामने आएगा तो परमेश्वर शैतान को नष्ट किया था, शैतान आपको पूरी तौर से हालेलुया खंडन कर दिया था, उस अवस्था से फिर से सृष्टिकर्ता का प्रिय पुत्र और पुत्री का दर्जा देकर परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, मैं दूसरा रूट की ओर जा रहे होशे जल्दी से प्रिंसिपल और हमको दूसरा रूट की ओर, कैसे हम इस हाल हो गया, युवराज जैसे जीने वाला पूरा आपको और ऐसा कर दिया, और करवाया ये काम आपको ध्यान देना जरूरी है। मानव को पाप में कौन डुबाया, हम यीशु मसीह में आने के पहले पाप ही थे, हमको कौन पाप करवाया, कौन पाप करने से हमारे जीवन में पाप आया, ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर आदम हुआ को जो सृष्टि किया था पापियों का नहीं किया था, परमेश्वर का तेज प्रकाश के ऊपर में था, लेकिन आदम हुआ पाप करने के कारण, हमारे आदि माता पिता पाप करने के कारण पूरा दुनिया पापी हो गया। अभी मुसलमान को, नामदारी मसीहों को, जितने जाति लोग इस दुनिया में हैं, सबको यीशु मसीह के पास आना होगा, तब गुलामी से वो पुत्र और पुत्री का दर्जा में आएगा। हालेलुया, अगर नहीं आएगा, अगर उसी में वो मर जाएगा, उनके लिए नरक जो है तैयार करके रखा है। हालेलुया, लेकिन कितने लोग विश्वास करता है, मैं उनमें से छूट गया, मैं आज प्रभु यीशु का बेटा हूँ, मैं आज यीशु मसीह का बेटी हूँ, मैं दुष्ट के हाथ से छुटकर स्वतंत्र हो गया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। कोई भी पढ़े, परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया। उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया। हालेलुया, बड़ा पप्पा विश्वासघात किया, अभी उनका पीढ़ी पूरा विश्वासघात करके आ रहा है। इस संसार का हर एक इंसान विश्वासघाती है, व्यवस्था को तोड़ने वाला है। हम भी विश्वासघाती लोग था, हम भी दास की ओर जाने वाले लोग था, लेकिन किसी ने यीशु मसीह का संदेश हमारे पास तक पहुंचाया। बहुत सारे लोग यीशु का सुसमाचार सुनाते ही सुनाने वालों को मारता है, गाली देता है, घर से भगाता है, लेकिन आपने उस सुसमाचार को आदर पूर्वक अपने दिल में ग्रहण किया, इसलिए आप यीशु मसीह का पुत्र और पुत्री बन गया है। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, तो दुनिया का पहला इंसान और उनका धर्मपत्नी आदम हुआ, पति का नाम आदम, हवा का नाम पत्नी का नाम हवा,
ये दोनों क्या किया, परमेश्वर का व्यवस्था को तोड़ दिया। उसके मतलब परमेश्वर से ज्यादा शैतान का बातों को, बातों के ऊपर भरोसा रख दिया। उसी दिन से परमेश्वर का तेज रोशनी, परमेश्वर का सामर्थ्य उनके अंदर से निकल गया। फिर किसका सामर्थ्य आया उनके अंदर? शैतान का सामर्थ्य आया। आज पेपर खोलकर पढ़ो, टीवी चैनल खोलकर देख लो, हत्या ही हत्या ही, धोखा ही धोखा ही, व्यभिचार ही, परिवार अलग हो गया, हालिया बाप बेटा को मारा, बेटा बाप को मारा। हालेलुया, क्या क्या समाचार सुनने के लिए मिलता है। ये आदि माता पिता पाप करने के कारण उनका वंश में उसका स्वभाव आ गया। हालेलुया, चोरी करने वाला बाप उसका बेटा भी चोरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये पूरा दुनिया पाप का अधीनता में हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप करने के पहले आदम हव्वा के अंदर में परमेश्वर का स्वभाव था, थोड़ा बहुत भी पाप उनके अंदर में नहीं था। पाप करने के बाद आदम हव्वा के अंदर में हालेलुया क्रूरता का स्वभाव आ गया। हालेलुया, परमेश्वर अदन की वाटिका से उनको कटआउट कर दिया। और उनका पहला पुत्र कैन पाप के कारण से कैन अपना सगा भाई हाबिल को मार दिया। पहला हत्यारा कौन है दुनिया में? तो पाप गलती किया, पाप शैतानी शक्ति से भर गया। देखो पूरा पीढ़ी पीढ़ी महात्मा गांधी बताते हैं, अगर पूरे इंडिया के लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो यहां पर पुलिस थाने की जरूरत नहीं। 12 बजे रात को भी लड़कियां घूम सकते हैं। हमारे राष्ट्रपिता दो किताब लिखा यीशु के बारे में। हालेलुया, मैं आपको बोलना चाहता है, जो कोई यीशु को ग्रहण किया है उनके अंदर से शैतान निकल जाता है, शैतानी स्वभाव निकल जाते हैं। अगर आप प्रभु को जान लिया है तो आप प्रभु का स्वभाव में आगे बढ़ेगा तो आपका आने वाला पीढ़ी भी प्रभु में रहेगा। इतना माता पिता यहाँ पर बैठा है जो पहली बार प्रभु में आया, हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करे, प्रभु जी मेरा आने वाला पीढ़ी आप में, हर कोई पांडेला में नहीं जाएगा, कोई दायर भट्टी में नहीं जाएगा, कोई गलत नहीं करेगा, ताकि यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में आया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ड्राइवर चेंज होना चाहिए। ये शैतान इंसान के अंदर से निकल कर यीशु के अंदर में आएगा तो वो डाली छोड़ेगा, नशा छोड़ेगा, दुनियादारी छोड़ेगा, वो एकदम ईश्वरीय व्यक्ति बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखते हैं, आप ध्यान देना नीचे, आप ध्यान दीजिए, अगर आप प्रभु के एक भक्त हैं, पति पत्नी मस्त है, प्रभु में ध्यान है, लेकिन आप अपने बच्चों में ध्यान नहीं करेगा तो भी आपका बच्चा बिगड़ जाएगा। आप अपने अंदर में जितना ध्यान देता है वैसा ही आप अपने बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए। मैं प्रभु में आगे बढ़ रहा हूं, मैं समय पर प्रार्थना करते हैं, मैं समय पर वचन पढ़ते हैं, क्या आपका बच्चे भी उसका फॉलो कर रहे? इधर एक परिवार है, एक प्रभु का बड़ा दास है शौमिल, 5 की उम्र से लेकर बुढ़ापे तक प्रभु का सेवा किया हुआ। बाइबल में एक ही व्यक्ति के बारे में कुछ लोग आमोस 70 उम्र में प्रभु का दास बन गया, कई लोग जवानी में प्रभु में आया, लेकिन 5 उम्र से लेकर मरने तक सेवा किया हुआ एक ही व्यक्ति है शौमिल। उसका पारिवारिक जीवन कैसे, तो उनके बच्चों के बारे में थोड़ा देखेंगे। पहला सोमेल, जल्दी से निकालो, पहला सोमेल, उसके 8वां अध्याय में हम जल्दी से आएंगे। 8वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। पहला सोमिल आठवां अध्याय उसके चार से लेकर पेज नंबर 337। हाँ, तब सब इसराइली इकट्ठा होकर रामा में शोमिल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। हालेलुया, बच्चों को थोड़ा संभाले, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वो एक राजा नियुक्त करे, परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे। ये बात शाऊल को बुरी लगी और शाऊल ने यहोवा से प्रार्थना की। हाँ, और यहोवा ने शाऊल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। हालेलुया। शाऊल पांच वर्ष से लेकर बुढ़ापे तक परमेश्वर की महिमा, लेकिन शाऊल अपने को देखा, लेकिन अपने बच्चों को, इसलिए मैं आपको बोल रहा है, हमारे बच्चे यहाँ पर है, सबका बच्चे, आप एक उन्नति पा रहा है, आपका बच्चों के ऊपर वो भी आप ध्यान देना है। एक महान प्रभु का दास शाऊल भविष्यवक्ता, कोई बुराई जीवन के आखिरी तक इनमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन लोग कह रहा है तू बूढ़े हो गया, तू अच्छा था, लेकिन तेरे बच्चे आप सही है तो प्रभु आपको यूज करेगा, आपका बच्चे सही नहीं है तो परमेश्वर ये बच्चों को हटाकर दूसरा व्यक्ति को फिट करेगा। ये देवों को समझ में आ गया, मेरा मां हमेशा नहीं के ऊपर इसके ऊपर ध्यान देते हैं, वो भैया नहीं किया, आज वो भैया नहीं पड़ा, राम ध्यान दे रहा है। मुझे शाऊल का याद आता है, अगर हम लोग प्रभु के सेवा तन मन से करते रहेंगे, बहुत आत्माओं को बचाएंगे, लेकिन हमारा बच्चे अगर कल गलत रास्ता में गया है तो हमारा सेवकाई से क्या बात है। लोग बोलेगा बहुत अच्छा सोमन पास किया, लीला मंदिर देखो बच्चे गलत रास्ता में, इसलिए ये बात को ध्यान रखना। अब पापा आदि माता पिता ध्यान नहीं दिया, पाप किया, लेकिन याद रखना कितने पीढ़ी पाप में डूब गया, कितने लोगों को समझ में आ गया, आदम हव्वा का गलती के कारण आज करोड़ों अरबों लोग इस दुनिया में पाप का बंधन में पड़ रहे हैं। ये हत्या क्यों आया है, ये बुराई क्यों आया है, ये पाप में डूब के ये पूरे देश निवासी पूरे दुनिया के लोग क्यों ऐसे पाप में डूब गया, कौन गलती करने से, आदम हव्वा गलती करने से। इसीलिए माता पिताओं से मुझे अपील है, आप बहुत सोच समझ कर इन दिनों में आगे बढ़े, प्रभु आपको बहुत आशीर्वाद देगा। कितने लोग, कितने बच्चे, कितने परिवार प्रभु में आगे बढ़ना चाहता है। मैं जानता हूं कि कहीं से आपको वहां पर कोई मतलब नहीं है, वचन पर नहीं चलता, वचन सुनाने का समय ध्यान नहीं है, कितने लोग ध्यान लगाना चाहता है, हम भी बचे, हमारे बच्चे भी बचे। हालेलुया। आदि मादा का गलती से पूरा मानव पाव में डूब गया, आप और मैं ध्यान नहीं देगा माता पिता, आपका आने वाला पीढ़ी भी नाश की हो जाएगा। हालेलुया। आपने पढ़ा होशे ने बोला आदम विश्वासघात किया, प्रभु का आज्ञाओं को तोड़ा, इसलिए पूरा वंशावली दुष्ट के हाथ में हो गया है। इतने लोग चाहता है मैं भी बचूंगा, मेरे बच्चे भी बचेगा, मेरे पड़ोसी बचेगा, मेरे गांव के लोग बचेगा, मेरे सामने प्रभु जितने लोगों को लाएगा उनको भी मैं बचाऊंगा, कितने लोग हाथ उठाकर ताली बजाकर प्रभु
धन्यवाद करना चाहते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में कलीसिया के अंदर में अगर आप ध्यान नहीं देगा तो दो प्रकार का लोग आएगा। हेलो, दो प्रकार के लोग आएगा ध्यान नहीं देगा तो। सोच लो मैं एक इंसान हूं, आप देख रहे हैं यहां पर एक घोड़ा में बनाया, नीचे भी बनाया, उसके मतलब कलीसिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक लोग जो है प्रेज द लॉर्ड, तन मन से परमेश्वर का वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले लोग, हर बात करने के समय वो सोचेगा मैं प्रभु का जन हूं, हालेलुया, मुझे वो रास्ता में नहीं जा सकता, मैं वचन के अनुसार चलना है। वो व्यक्ति एकदम ओके, आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है वो, आत्मा के बिना वो झूठ नहीं बोलेगा, गलत काम नहीं कर सकता, हर कार्य प्रभु के ऊपर छोड़ता है, प्रभु तेरी इच्छा से मुझे इच्छा, और उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर सब कुछ कर देता है, ताकि परमेश्वर को मालूम है ये बेटा ये बेटी के दिल के अंदर में भरा हुआ है। दूसरा नंबर का व्यक्ति घुटने के नीचे है, प्रभु को रखा है, हालेलुया, घुटने के नीचे प्रभु को रखा है, उसका मतलब वो अपना स्वयं में चलता है, उसने यीशु को नीचे रखा है, दिल के अंदर स्वयं कुछ निर्णय लेगा वो खुद करता है, प्रभु से नहीं पूछता है। संडे में जरूर आएंगे लेकिन प्रभु से बिल्कुल उनका कुछ मतलब नहीं, हर कार्य बुद्धि से स्वयं करता है, कुछ परेशानी जीवन में आने का समय आरोप प्रभु को देना, हालेलुया। दो रीति से इसलिए परमेश्वर के वचन में आपको देना चाहता हूं, परिस्थितन लौट गलातियों की पत्री पांच अध्याय में जल्दी से आई, आप ध्यान देखकर आज आपका जीवन ओरिजिनलिटी में होना चाहिए, ओरिजिनलिटी आपका जीवन एकदम ओरिजिनल अवस्था में, 5:25 पहले पढ़े ध्यान से, ये वचन आपके जीवन में रूपांतरण करेंगे। 5:25 क्या बोल रहे हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले, हालेलुया। तो प्रथम व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलने वाले थे, मुझे कल इतना रुपया का आवश्यकता है, प्रभु मैं किसी से नहीं मांगूंगा, आप मुझे देगा। एलिया क्रीत में ठहर बैठा, परमेश्वर को मालूम है एलिया अभी अकेला उस जंगल में है, मेरे दास को खाने की जरूरत है। आत्मा में चलने वाला एलिया के लिए परमेश्वर चमत्कार करता है, राजमहल में राजा के लिए खाना बना रहा था, कुक किचन में, राजमहल का कुक किचन, वो मस्त राजा का ब्रेकफास्ट भयंकर है ना, पूरा सजा रहा था, पूरा करके सजा रहा था, लेकिन इधर मुड़ने से भटका हुआ तो परमेश्वर किचन के अंदर में भेजा। मैं एक विश्वास बोल रहा हूँ, हालेलुया, वहां पर परमेश्वर खाना सृष्टि नहीं किया, भाई चलो परमेश्वर क्या किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया, कौवा हमें से चुराने में एक्सपर्ट है, रंग ले गया, और कभी भी किसी को कुछ ना देने वाला पक्षी है कौवा, सीधा रहा है, राजाओं का फूड, राजा लोग खाने वाला राजकीय आल्य भोजन जंगल में एरिया को मिल गया। राजा कंप्लेंट बोले, कुक कंप्लेंट बोला होगा, राजा सॉरी मैंने हर दिन आपका भोजन बनाता है, पता नहीं गायब होता है, कोई जादू टोना किया होगा ये किचन के अंदर,
भोजन बना करके तुरंत गायब हो जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक राज की अवस्था में आत्मा में चलने वाला प्रेसो का हुआ तब तक आया। हालेलुया। जब तक प्रेस थल्लोड़ा एलिया जंगल में था और उसके बाद परमेश्वर उनके लिए सारे भाग का विधवा का हाल लिया, एक रोटी खाकर मां बेटा मरने पर था उनको दे दिया। मैं आपको बोलना चाहता है, आत्मा के अनुसार चलने वाला लोग भी कलीसिया में है, बुद्धि और स्वयं का इच्छा। आत्मा में चलने वाला व्यक्ति संडे में करेक्ट टाइम में आएगा, बाकी दिन में भी जाकर रहेगा, अपने आप को ख्याल रखेगा, हर झूठ से दुनियादारी से बच रहेगा और वो विश्वास का बातें बोलेगा। ऐसे लोगों के द्वारा पास्टर का भी अच्छा है और प्रभु को भी अच्छा है, चमत्कार ये गवाही सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब घुटने के नीचे यीशु को रखा है, यीशु मसीह से बात नहीं करेगा, लड़की का शादी करवाते हैं बिना प्रार्थना, पास्टर को भी नहीं मालूम। आखिरी में क्या हुआ, लड़का छोड़ के जाने के बाद आए हो प्रभु के ऊपर कलीसिया के ऊपर, प्रभु से पूछने के बिना कुछ नहीं करना है। हालेलुया। डोंगरगढ़ से पूरा भाई लोग पिछले दिन आए हैं, पास्टर हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हमको पता चला आपके साथ प्रभु की महिमा करना है। मैं हमेशा बोलता है हीरो गाड़ी का पार्ट्स, हीरो गाड़ी में कुछ खराबी हो गया, आपके पास है हीरो गाड़ी है, पैशन प्रो है, नहीं तो और कुछ गाड़ियां है, उस गाड़ी खराब हो गया तो होंडा का पार्ट्स लगेगा उसमें, होंडा का बजाज का पार्ट्स उसमें लगेगा, हीरो का पार्ट्स आपको चाहिए। स्वर्गीय मन्ना में जितने लोग उद्धार पाया, अगर हम बाहर जाएगा तो भी प्रयोग हम जमेगा नहीं। बार बार मुझे कोका परिवार के बारे में दर्शन दिया, मैं इनको बोलता रहा, अभी प्रिय लोग आज यहाँ पर आए हैं, ताली बजा कर उनका स्वागत। आज सुबह का प्रार्थना के बाद मैं सोया, परमेश्वर ने मुझे वो दर्शन भी, वो स्वप्न भी दिखाया। मैं इधर वचन सुना रहा हूँ, वचन के बाद कमल दीदी आके बोल रहे, पास्टर बहुत अच्छा, वो भी आने वाली है। डोंगरगढ़ से दो बुजुर्ग लोग आया, डोंगरगढ़ से 30 किलोमीटर अंदर में रहने वाले लोग, इसका मतलब यहाँ से 95 किलोमीटर दूर वाले आके ये चर्च में सोए, रात को सुबह मेरे घर में आया, बोला पास्टर जी आपको आना होगा, उसका मतलब यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। परमेश्वर जिन जिन लोगों से प्यार करता है उनको परमेश्वर तैयारी करने के लिए हाल लिया। किसी को भी प्रभु त्यागेगा नहीं, कितने लोग हाथ उठाकर बोलना चाहता, किसी को भी हमारे यीशु नहीं त्यागेगा, सबसे प्यार करने वाला यीशु, हालेलुया, आज यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। तो जो यीशु मसीह को आत्मा से देखने वाले लोग हमेशा यीशु के पद चिन्हों पर चलेंगे, लेकिन यीशु मसीह को कभी कभी यूज करने वाले लोग स्वयं में चलेगा, डिसीजन सब बात स्वयं, वो व्यक्ति के जीवन में गवंड आएगा। बाइबल में लिखा है 26 पढ़िए, प्रेसर वो ऐसे लोगों का, मैं बाइबल से बातें करता हूँ, आज सुबह प्रभु ये वचन, हम गवंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाल करे। याद रखना कलीसिया के अंदर में स्वयं बुद्धि से चलने वाले लोग हैं तो उनका स्वभाव बाइबल में लिख रखा है। कितने लोग बचना चाहता है, आत्मा में चलने वाले लोग यीशु मसीह के आगमन में स्वर्ग जाएगा, लेकिन यीशु मसीह को कभी कभी यूज करने वाला लोग इधर ही लड़ते रहेगा। याद रखना आत्मा में चलने वालों को हमेशा गिफ्ट देगा प्रभु। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं, किस तरह लोग विश्वास कर रहे हैं, हालेलुया हालेलुया। आप डर में आकर देखना, अभी भी मानता हूं मैं, बहुत अच्छे केस बच्चों को मारना है, प्रेज द लॉर्ड, हमारी इच्छा है शाऊल के जैसे हमारे बच्चों के साथ ना हो। कितने लोग दिल से मांगते हैं, प्रिय भाई बहन, अगर आपका बच्चा अभी प्रभु में नहीं है तो आप वेदना से रहो, प्रभु जी मैं जिस रास्ता से जा रहा हूँ मेरे समय के बाद, प्रभु जी
کی مہیما کرنے کے لیے میرے بچوں کو پکڑ کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے؟ کیول بچوں کو نہیں، ماما کو پکڑ، پربھو کاکا کو پکڑ، چاچا کو پکڑ، وہ بوا کو پکڑ، یسو کے نام سے مجھے بہت اچھا لگا، سیدا کا گواہی بوا کو میں ہے، یہ بھول ہمارے اندر آ رہی ہے، آر ہوا کے گورا سب دھوکا باز ہو گیا، لیکن ہم بھی دھوکا باز تھا، لیکن یسو ہم کو ان میں سے چھڑایا، اب ہمارا کام یہی ہے، میں اور میرا پریوار نہیں، میرا پورا خاندان سور جانا ہے، بولا یہ لڑکا یہاں بیٹھ نہیں پائے گا، میں بولے لاؤ دو سپتاہ اس کو ہم سدھاریں گے، گھمنڈی چڑھتے ہیں، یاد رکھنا آتما میں چلنے والے ویکتی کو ہمیشہ پربھو آتمک ندی دے گا، آتمک ندی دے گا، وردان دے گا، یہ چڑھے گا جب ادھر سے گواہی دے رہا تو کئی لوگ جلتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تم بھی آؤ، ٹریک کا پیچھے لکھا ہے پریس دی لارڈ، میں آپ کو سچائی بولتا ہوں، کتنے لوگ ادھار پا کر پربھو کی مہیما کرنے کے لیے اس کلیسیا میں آیا ہے، یہاں پر آ کر کوئی بھی نرک کے اندر نہ چاہے، یہاں پر آ کر سبھی لوگ کہاں پہنچنا ہے؟ سورگ راج میں پہنچنا ہے، ہللویا ہللویا ہللویا، وہ اگر آپ نیچے رکھے گا تو کیا ہوگا؟ دلی میں ایک گھٹنا ہوا، وہ گھٹنا اس پرکار تھا، ایک لڑکی وہاں کا ایک پاسٹر کا کلیسیا میں جاتے ہیں، لڑکی بہت سندر ہے، اس کا گال وغیرہ اتنا سندر ہے، بہت سندر لڑکی، پوتر آتما پائی ہوئی لڑکی، ان کا پاسٹر کہا رہا تھا، پاسٹر نے رونے کی ہے، پاسٹر بولا بہن تو آتما سے بھر کر آ رہا کرتی ہے، ایک لڑکا ہے میرے پاس، میں بھی بہت دنوں سے پرارتھنا کر رہے تھے، پرمیشور کا آتما مجھے پریرنا دیا ہے، میرے ساتھ شادی کروا، فوٹو دیکھنے کے بعد وہ لڑکی بولتی ہے یہ تو کالو ہے، یہ کالو ہے، اس کے ساتھ میں شادی نہیں کرتی، میں آج بھی صبح ایک نائب پریوار کا لڑکا ایک نائب پریوار کی لڑکی کے ساتھ، پریس لارڈ کئی دنوں سے پربھو کا آتما ان کے گھر میں پہنچنے کا سمے پربھو نے اچانک بات کیا، دونوں پریوار موقعے ہو گئے، میں موقعے نہیں ہوا رہتا کہ میرے پاس سمے نہیں تھا، ابھی آج بولا پاسٹر آج 2 بجے نمبر دینا ہے ہمارے راجو کے لیے ہیں، دیوی ایلی کر رہا ہے راجو مائر، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو دلی کا لڑکی پاسٹر بہت اچھا لڑکا کو لایا، لیکن ایک ہی کمی ہے وہ گورا، باقی بہت اچھا ہے، جوان لوگ سنو، جوان لوگ سنو، شادی کیا ہوا لوگ سنو، کیا بولتے ہیں ایسے ہی لوگ جب نہیں ہے پرنس دا لارڈ، پرانا دے دو نیا دے دو، کار ایسا ملتا ہے جی گاڑی میں، پرانا کار جمع کرو نیا اٹھا کے لے جاؤ، یہ نہیں ہے پرانا نہیں دینا، ایک ہی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لڑکی سے اتنا پرمیشور کا داس ہوا، دیکھو بہت اچھا لڑکا ہے، کالو ہے وہ، کیا میں بھی کالو تھا، وہ گوری سے شادی ہو گئی، تو میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں لڑکی نہیں بانی تھی، وہ سمبھو گھٹنا دیکھی تھا، لڑکی بولا کالو ہے میں شادی نہیں کروں، پوتر آتما پائی ہوئی ہے، انیہ بھاشا بولنے والی لڑکی بولا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، راجستھان سے ایک گورا لڑکا آیا، بولی آپ کے جیسا بڑا آیا موٹا، یہ لڑکا کو دیکھتے ہی لڑکی بولی یہی چاہیے یہی چاہیے یہی چاہیے، کیا ہے
शादी हो गई था। सात महीना तक जिया, सात महीना के बाद लड़की खत्म। वो गोरा लड़का पीने वाला था, धोखा ले लिया, लड़का बदमाश था। हालेलुया, लड़का बदमाश था, पी के ट्रेन ही मारते थे। वो काजू है तो आज नीचे तो नहीं रखेगा, सब खाके चलता। हालेलुया, एक दिन पास्टर को फोन आया 12 बजे 12:30 बजे, पास्टर जी जल्दी आ जाओ नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा। पास्टर जल्दी से वहां पहुंचने का समय, घर का फ्लैट है, पुलिस लोग पूरे घेरे हुए हैं, पूरे जनता घेरे हुए हैं। तुरंत ऊपर से एक आवाज आए, हमारे पादरी साहब आ गया है, ये चल के ऊपर में चल के बैठी है, मैं अभी कूदने वाली हूँ, आत्महत्या करने वाली। इसका मतलब लड़का चाकू से उसको वार करने वाला था, ये बच के ऊपर नहीं थी। आज मैं मालूम थी संभव घटना। हालेलुया, उस दिन पास्टर साहब कैसे भी मना कर नीचे आया, लेकिन उस दिन टेंशन अति हो गया, अट्रैक्ट होकर लड़की सातवां महीना में। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, सुंदर लाई का पीछे जाएगा तो तेरा जिंदगी यही है। तेरे सामने परमेश्वर लाने वाला व्यक्ति अगर आत्मा बोल रही है, यही है तेरा पति, तेरे पत्नी यही है, तो विवाह के लिए तैयार हो जाओ। तेरे लाइफ हाली लंबा होगी। प्रेज द लॉर्ड, अगर आत्मा से चलने वाले लोग हाली लोग भी है और स्वयं बुद्धि से चलने वाले लोग भी है। बुद्धि से चलेगा कोई जगह में गिर जाएगा मर जाएगा, लेकिन आत्मा से चलने वाला आखिर तक जीवित रहेगा। हाँ, ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आदम के पाप के कारण मानव के अंदर में कई प्रकार का पाप आ गया है। गलातियों 5 अध्याय, मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गलातियों 5 अध्याय में आए 18 से हम पढ़ेगा तो, वहां पर 19 से पढ़ेगा तो, शरीर के काम तो भटक है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, दुष्कर्म, मूर्ति पूजा, क्रोधा, भैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कुट, विदर्भ, डाल, बंटवारा, पर लीला, कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में राज्य के वारिश। उसका मतलब आदम हवा पाप करने के बाद उनका पीढ़ियों के अंदर में ये नाना प्रकार का गंदे स्वभाव आ गया। शैतान गया था, पहले पत्नी को गिराई, पति भी खा लिया, उनको भी गिराया और उनका पूरा वंशावली ये नाना प्रकार का गंदे स्वभाव से भर गया। हम भी उसके चपेट में था, कितने लोगों में भी थी, मैं भी था, लेकिन मेरा यीशु आया, ड्राइवर चेंज हो गया। आज मेरा जीवन क्यों बदल गया? मेरा यीशु मसीह के कारण। कितने लोग ये बात मानते हैं? हालेलुया। हमारा उद्देश्य यही है, हमको पूरी तौर से बदलना है। कितने लोग पूरी तौर से बदलना चाहते हैं? पूरी तौर से बदला, अभी पूरी तौर से नहीं बदला है, पूरी तौर से बदलने के लिए और समाप्ति दोहरा है, और प्रार्थना करना है, और वचन में गहराई उतरना है, और पवित्रता में जीना है, तब समर्पण बढ़ने का उतना वरदान भी बढ़ेगा, आत्मिक आशीष भी बढ़ेगा, आत्मिक आशीष भी बढ़ेगा। मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था कन्वेंशन में थोड़ा पागल हो गया था, कैसे लेकिन मेरा परमेश्वर 25,000 रुपये मेरे पॉकेट में। मैं पागल नहीं था, आपका कंजूसी पर हटा हो, मैं जानता हूँ आपका दशमांश जो देने का सही, आपको 50,000 मिलेगा तो आप 500 रुपये की दर नहीं देते हैं। याद रखना, आप जो भी काम कर रहे हैं
आपका कंजूसी के कारण परमेश्वर भी कंजूस हो जाएगा। एक बार एक व्यक्ति ने बोला, पास्टर कोई काम काम नहीं है, आप प्रेयर करो, मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। पास्टर प्रेयर किया, प्रेयर करने के बाद एक दिन आके बोला, भाई पास्टर भला ना बिजनेस करना चाहता, प्रभु ने मन लगा और पास्टर जितने जो भी मिलेगा उसका दशमांश बराबर दूंगा। हालेलुया हालेलुया। आपको भी ध्यान आ गया, मेरे बच्चों को मुझे संभालना है। हालेलुया, ताली बजाइए सब माता पिता के अंदर में अपने बच्चों के प्रति ध्यान आएगा, वो बच्चे उनसे बढ़कर करेगा, थोड़ा हाथ उठाकर आशीष करेगा, सो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो क्या बोले थे मैं, इतना प्रॉफिट हुआ है आकर इनका सामने 2000 रुपए रख दिया। पास्टर देखो परमेश्वर चमत्कार किया, 2000 रुपए देने प्रार्थना किया, अगले महीना में आकर 5000 दे रहे। ऐसा कर कर करके 50,000 दशमांश देना शुरू किया। तब ये ब्रदर को लगा मैं तो ज्यादा दे रहा हूं, एक दिन पास्टर के पास पास्टर मैं तो ज्यादा दे रहा हूं, मैं इतना देना नहीं चाहता। तो पास्टर बोला कम कर दो, आपका जो आ रहा था वो कम कर दो। प्रेयर हुआ, एक दिन रोते रोते आया, पास्टर साहब मेरे बिजनेस नहीं चल रहे, डाउन हो रहे, परेशानी हो रहे। अरे आपने बोला ना आशीष प्रभु दे रहा था और आपने उसको कम करवाया, इसलिए कंजूसी ना करें, परमेश्वर का कार्यों के लिए आगे बढ़े। हालेलुया। गर्म कपड़ा भिखारी को देते देते खाना का एक ये भी दे रहा है। घर में जाकर पढ़ा, मेरे पास समय नहीं है। 58 देखो फिर जाना पड़ेगा वहां पर, तो आप बोलेगा क्या क्या बोला आपने प्रिंसलॉन। अगर आपको आशीष का बढ़ोतरी चाहिए नहीं तो एक ही व्यवस्था में जाना है तो जाओ, कोई बात नहीं। अगर आपको प्रभु में अमीर होना है, प्रभु का आशीषों में अमीर होना है, आप ऐसे लोग ही प्रेस द लॉर्ड हालेलुया ये बातों को पढ़ता। चतुर्थ वचन से हम लोग पढ़ेंगे, पहले आपके अंदर का बंधनों को तोड़ फोड़ करना है, फिर आप इस प्रकार का कार्यों के लिए भी आप आगे बढ़ना है। चतुर्थ वचन में पढ़ रहा हूँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जीवा तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जीवों को टुकड़े टुकड़े करना। सकाई क्या किया, यीशु सकाई के घर में आते ही उनको बहुत वेदना आया। मैंने बीते दिनों तक लोगों से क्या करता था, हेलो क्या करता था, दूसरे लोग अपना बिजनेस करने समय उनके तैली को मैं क्या कर दिया, छीन लेता था। वही सब बहुत धन मेरे पास है, अगर प्रभु मेरे घर में रहना है ये चीजों को वापस, एक गुना लिया था अभी बोल रहे मैं 4 गुना वापस लौटा दूंगा। उपवास एक दिन उपवास पर बैठने से नहीं चलेगा, आपके जीवन में कई काम भी आपको करना है। हालेलुया हालेलुया। और उसके बाद क्या है 7वें वचन में, क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी अच्छा ये बताओ भाई, अभी हमारा रेलवे स्टेशन का लोग स्पॉन्सर कर रहे कि नहीं? दुर्ग रेलवे स्टेशन में भिखारियों को, वहां पर रहने वाले पैसेंजर लोगों को हर दिन 8 बजे से भरपेट भोजन दिया जाता है। सुनने वाले ग्लोबल चर्च 1 तारीख को 15 तारीख को वहां का एक दिन का 15 तारीख को 1 तारीख को हमारे कलीसिया स्पॉन्सर करते हैं वहां का खाना। 2 सप्ताह से बंद पड़ा है, ज्यादा पैसा नहीं, आप गरीब नहीं होगा, 500 रुपीस में 500 रुपीस देने से पूरा 36 मिनट में पता चलेगा ये आगे कौन खाना दिया है।
उसका संचालन आई किरण करते हैं। आप जरूर साल में एक बार दो बार उनसे संपर्क करें। आप ऐसा करने से आपका जिंदगी ताली बजाने से तो अन्य भाषा बोलने से घर में आशीष नहीं आएगा, आएगा साथ साथ ये भी करना पड़ेगा। हालेलुया। ये सिर का सफेद वाला चिपकाने से नहीं आएगा, काला वाला चिपकाने से नहीं आएगा, क्या करना पड़ेगा? दोनों मिक्स करना पड़ेगा। हालेलुया। आराधना भी चाहिए, अन्य भाषा भी चाहिए, भूखों को रोटी भी खिलाना चाहिए। क्या क्या लिखा है वहां पर साथ में? क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, हम कौन देगा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, यही काम अभी हम लोग करने जा रहे हैं। अभी मुझे फोन आ रहे पास साहब कब आएगा, कपड़ा इतना भरा है, गर्म कपड़ा इतना भरा है। मैं बोला प्रभु गाड़ी मेरे पास नहीं, लेकिन अच्छा हो गया सोनू का गाड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। अभी इनोवा वाला भाई भी मुझे बताया मेरे गाड़ी में, मैं इनोवा में 13 लाख रुपया का गाड़ी में पूरे एरिया में घूमेगा। मैं फिर क्या मतलब उनको परेशान करना, सोनू की गाड़ी हमारे पास है। हालेलुया। उसी में आशीष आने को। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या है? प्रेज द लॉर्ड। किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को राज पाना। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनको भी कभी कभी हमारी कलीसिया में आते हैं। आप कमजोरा नहीं पिटाना, उनके पास जाना, कुछ कहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इंडियन कॉफी हाउस रेलवे स्टेशन का सामने बड़ा होटल है, सागर इंटरनेशनल का बगल में 2 नंबर 217 रूम में एक प्रभु का बड़ी दासी आई। हमको पता चला, हमको बुलाया। वहां जाने के समय लीला में क्या चलेगा, आप साड़ी पहनना और साड़ी नहीं पहनती और बेटी को भी हम चारों के लिए भी हो गया। हालेलुया। हम नहीं चुनते परमेश्वर कहां से कहां पर लोगों को लाते हैं हमारी आवश्यकता पूरा करना, हम उनसे मांगा नहीं। हालेलुया। वो यहां पर लिखा है अगर आप ऐसा करते हो, इसलिए मैं बोला गर्म कपड़ा देने के साथ, कपड़ा देने के साथ समोसा भी खिलाएंगे। समोसा नहीं, मेरे को एक भाई बोला जरूरत नहीं पास्टर, खाना बनाएंगे, टीचर सब्जी बनाएंगे। कौन बताया मुझे समय नहीं आ रहा। चलो रेणु बोल रहे कोई भाई बोला। हालेलुया। मैं बोला ओके अब इसी में बनाएगा, कल चूड़ा आएगा, छोटा चूड़ा आएगा, बड़ा चूड़ा आएगा। हम जल्दी से परमेश्वर का काम, ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको? आठवीं पद सभी लोग मिलकर पढ़े, सभी लोग मिलकर जोर से पढ़े, तब तेरा प्रकाश वाव भटने के समान चमकेगा। ताली बजाइए ना। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज सुनने वाला वचन आपका भी नहीं सुना होगा। एक समय था मैं रेलवे स्टेशन में समोसा बांटता था। हालेलुया। नहीं जाओगे करके बोले तुमको जाना पड़ेगा। हालेलुया। देखो तो बच्चों को इतने समयों के बाद अब लाया, देखो उनके अंदर का प्रेशर देखो, लेकिन वो बच्चा पूरी तौर से बदल जाएगा। कितनी लोग हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अरे पप्पा नहीं छोड़ेगा, वो तो बहुत अच्छा पप्पा है। प्रेज द लॉर्ड। वो मैं आपको बोलना चाहता, तब तेरा प्रकाश बाल भटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। ताली बजाइए। पुराना बीमारी जाना है तो दिनकरन के साथ पैसा देके प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। वो दिनकरन को देने वाला पैसा वो गरीबों को भूखे लोगों को खिलाओ तो शीघ्र चंगा ही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दिनकरन बहुत आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, पैसा का कोई कमी नहीं, फिर भी मांगते रहते पैसा भेजो पैसा भेजो। मुझे समझ नहीं आ रहा दिनकरन को अभी पैसा का क्या जरूरत है, लेकिन इंडिया में रहने वाला बहुत गरीब प्रभु का दास लोग है। एक साइकिल भी नहीं है, एक कपड़ा भी नहीं है, लेकिन फैक्ट्री रन करके प्रभु का सेवा करता है। हमारे इंडिया का
कई जो नामदारी मसीहों का दिमाग अभी भी नहीं खुला, मद्रास में भेजते रहते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है जो नंगा है उनको कपड़ा दे दो, हालेलुया, जो भूखा है उनको हालेलुया खाना दे दो, प्रेज द लॉर्ड, तब तू चंगाई पाएगा, तेरे दरब तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेल तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। एक गरीब को थोड़ा सा खाना दे दिया, एक गरीब को कपड़ा पहनाया, देखो क्या क्या गिफ्ट स्वर्ग से आ रहे, कितने लोग को समझ में आ रही हमको इसी महीना में करना है। एक समोसा भी अगर आप दे दिया परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा, हालेलुया। हाँ देखो इतना गिफ्ट, एक गरीब को वस्त्र दिया खाना दिया, कितना गिफ्ट स्वर्ग से आ रहा है, नहीं मालूम हुआ लिखा है तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ, मैं तेरा बेटा तेरे पास हूँ। वो परमेश्वर को सबसे ज्यादा पसंद है गरीब को खाना खिलाना, नंगे लोगों को कपड़ा पहनाना, प्रभु को बहुत इसमें क्या मिलेगा, बहुत फटने के जैसे चमकेगा तेरा कृपा, तू पुकारेगा तो तुरंत यस करके प्रभु बोले मैं यहाँ हूँ, क्या चाहिए। कितना साल हो गया पुकार रहे, 10 किलोमीटर दूर भी प्रभु नहीं है, क्यों, मिलने वाला पूरा पैसा, एक आदमी को 10 एप्पल दे दिया, बोला 3 एप्पल तू खाना, तू तेरे पत्नी और बच्चे खाना, तुझे रहे तो वो भी खिलाना, पापा मैं तो उसको भी खिलाना, कितना दिया है 10 दिया, 3 तेरा पूरा परिवार खाना, 3 क्या करना है भविष्य के लिए रखना है, 3 जो है बच्चों का फीस हो गया, बिजली बिल हो गया, घर का किराया हो गया, बाकी 3 सेव करना बैंक में, तेरा बेटी के शादी करवाना ही नहीं, घर खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, ये सब काम वही यूज करना, फिर कितना बच गया 1, वो किसको देना, प्रभु को देना, प्रभु को देना, लेकिन क्या करते हैं 3 खा लिया, फिर 3 खा लिया, 3 भी खा लिया और 1 भी, इतने लोगों को समझ में आ गया। कुछ लोग क्या करता है, 1 देने वाला है उसका 4 भागों में काट के 10,000 देने के जगह में 1,000 रुपया भी बहुत, आज से 1,000 रुपया जाएगा सब, बहुत रो रो के देते हैं, देने वालों से वो पसंद पसंद होता है। याद रखना आज का दिन में आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है, एक समय आप बंधन में था, एक समय शैतान के चुंगल में थे, आपके पास जो भी आता था अस्पताल में जाता था पैसा, हेलो आपको खाने के लिए, आपका बच्चों को खाने के लिए, भविष्य के लिए, प्रभु का कार्यों को करने का पैसा अस्पताल हो, आज कितने लोग हाथ उठाकर बोल रहे हैं नहीं, हालेलुया, परमेश्वर मुझे दिया हुआ हालेलुया वो पैसा मैं परमेश्वर की महिमा के लिए दे दूंगा, मैं दीन दुखियों को लिए भी दूंगा, मैं भी खाऊंगा, मेरे बच्चे भी खाएगा, मेरा परिवार भी खाएगा और भिखारी भी खाएगा और प्रभु का कार्य में भी इस्तेमाल होगा, ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें, हालेलुया। तो आपका स्वभाव किसका होना चाहिए, एक वचन जल्दी से पढ़िए, Philippians 2:5 मैं बंद कर रहा है, Philippians 2:5 जिनको मिला है पढ़िए, Philippians 2:5 प्रेज द लॉर्ड, अगल बगल वालों को हाथ मिलाकर बोलो शैतान का स्वभाव को हटाओ और यीशु का स्वभाव को लाओ, हालेलुया, उनके चेहरा में देख के मुस्कुराते हुए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कहीं तो हाथ भी नहीं मिला, पड़ोसी से हाथ मिलाकर बोलो दुष्ट का स्वभाव को हटाओ, यीशु का स्वभाव को अपनाओ, हालेलुया, हालेलुया, ठीक
लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वचन मैं यहाँ पर रोज करना चाहता हूँ लेकिन ये अधूरा बात होगा, बस एक वचन पढ़ने दो। बहुत सारे बातें बोलने का था लेकिन मैं कटिंग कर रहा हूँ, नहीं तो ये जो वचन अधूरा हो जाएगा। आप निकाले पहले यूहन्ना 3 अध्याय में जल्दी से आइए, मैं आपको तुरंत छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 3 अध्याय में जल्दी से आइए, 3:8 कोई भी पढ़िए। इसलिए पहला यूहन्ना 3:8 आप पढ़िए। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। याद रखना, ये दुष्ट शैतान आदम हव्वा के अंदर घुस गया, पाप में गिराया। उनके जितने संतान दुनिया में 750 करोड़ जो लोग इंडिया दुनिया में रहते हैं, इन सबो को पापी बनाए। हालेलुया, इन सभी को शैतान पापी बनाया। लेकिन यीशु क्यों आया है उसके नीचे? परमेश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। कितने लोग हाथ उठाकर बोल रहे, अभी मेरे अंदर शैतान नहीं, मेरे अंदर यीशु है। अगर ऐसा है तो मैं और यीशु मिलकर मेरे अंदर का गंदे स्वभाव को आज क्या करेगा? झाड़ू मारेगा। ताली बजाइए, ताली बजाइए। आज से शैतान का नहीं, मैं यीशु मसीह का हूं। हालेलुया, हालेलुया। नीचे लिखा है नौ में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है। कितने लोग परमेश्वर से जन्म होना चाहते हैं? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। अगर आपका कुंडली अगर मिट्टी के नीचे डालेगा तो कौन सा पेड़ आएगा, पौधा आएगा? आज कितने लोग बोल रहे हैं, मैं कलीसिया के अंदर बैठकर वजन सुनने के बाद घर में जाकर गाली देगा या तो मारपीट करेगा तो ये किसका स्वभाव है? मेरे अंदर में अभी भी दुष्ट है। आज कितने लोग दुष्ट को भगाना चाहता है? आदम से लेकर अभी तक पीढ़ी तक हमारा घर में सर्वनाश हो गया था, लेकिन मुझसे मेरे अंदर यीशु आया। अभी मुझसे जितना भी वंश आगे जाएगा वो यीशु का स्वभाव वाला बनेगा। बना रहता किसमें? यीशु मसीह में बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उस पर जाना है। हालेलुया। 5 साल हो गए कई लोग इसके अंदर बैठा है, 15 साल हो गए बैठा है, लेकिन कुत्ता का पूंछ करे से अभी तक सीधा। आज निर्णय ले आप कौन बनना है। आप आदम हव्वा का वंशावली के जैसे नाशकी हो जाना चाहते हैं, चौमेन के जैसे अपने ऊपर में ध्यान देकर बच्चों को बेली चलाना चाहते हैं? अपने ऊपर में भी ध्यान हो, आपका बच्चों के ऊपर में भी ध्यान हो। अगर बच्चे आपके रास्ता में नहीं है तो आज आप प्रार्थना करेगा तो बच्चे प्रभु के रास्ता में आएगा। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़कर मैं बंद करूंगा। आप तीसरे यूहन्ना में आइए, तीसरे यूहन्ना पेज नंबर 339 जल्दी से आइए। ये वचन के बाद बंद है। हालेलुया। तीसरे यूहन्ना 11 वचन, हे प्रिय बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। कितने लोग भलाई का अनुयायी होना चाहते हैं? अपने हाथ उठाए। वैसे लोग आज से अब भलाई का अनुयायी बनना चाहते हैं। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भलाई का अनुयायी बनेगा, आखिरी बात है, भलाई का अनुयायी बनेगा, आज बुराई को हटाएगा, झूठ बोलना, गलत काम करना, गंदे स्वभाव को हटाकर प्रार्थना में, वचन में, आराधना में अगर आप आगे बढ़ेगा तो आपका घर में 3 चीज प्रभु देगा। हेलो, 3 चीज आज घर में नहीं है तो आज घर वाले उसको ले जाएगा, इससे दूसरा वचन पड़ेगा तो 3 चीज मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हे प्रिय,
सभी लोग पहुंचे। तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय एक ही अध्याय है, दूसरा वचन सभी लोग बाइबल में देखे, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, कितने लोग आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, कितने लोग करना चाहते हैं, कितने लोग आत्मिक उन्नति लाना चाहते हैं, इसके साथ साथ वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। हालेलुया। कितने लोग को गाड़ी चाहिए, तो हाथ उठाए, अच्छे गाड़ी, अच्छे घर, अच्छे कपड़े, आदर सम्मान, बच्चों को अच्छे पढ़ाई, और हर बुरे काम आपका घर से दूर होगा, आत्मिक तौर से उन्नति पाएगा। भविष्यवाणी का वरदान के लिए प्रार्थना करे, आने चंगाई के वरदान के लिए प्रार्थना करे, अच्छे से परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए प्रार्थना करे, आपका घर के अंदर में अब से लेकर सहायता नहीं रहेगा, आपका घर से गीत का ध्वनि निकलेगा, वचन का ध्वनि निकलेगा, आपका बच्चे लोग प्रभु की महिमा करेगा। हालेलुया। ताली बजाते रहिए, आएगा आपका घर के अंदर में प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या दीजिए, क्या क्या आया, आपने उन्नति आ गया, डांटो दीदी, यीशु के नाम से डांटो, प्रभु गलती से हो गया है। हालेलुया। अब क्या क्या चीज है आपकी उन्नति, आत्मिक उन्नति, अराजकता, ये तीन चीज चाहिए। अपने आप को बंद करें, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे भलाई के लिए सब कुछ हो रहा है, प्रभु जी मेरे बच्चे आपके मार्ग में हो, अगर वो मार्ग में नहीं है तो प्रभु जी सौ में पहले से अगर मैं मेरी आत्मिक उन्नति देते रहेगा, एक दिन मेरे बच्चे को लोग बोलेगा तू प्रभु में चला लेकिन तेरा बच्चे प्रभु में नहीं चला। प्रभु एली का परिवार हम जानते हैं, वो पप्पा अपने बेटों को सुधारा नहीं। हालेलुया। चली से मारने का समय मारना है, समझाने का समय समझाना है, अगर प्रभु वो नहीं किया, बाप भी गया, बच्चे भी गया, वंश सत्य नाश हो गया, लेकिन प्रभु बड़ी मुश्किल से आदम हव्वा का महारोग से, पाप का आर्य गहराई से आपने मुझे बचाया। प्रभु जी मेरे जीवन के अंदर में पूरी तौर से यीशु आने दे, यीशु का स्वभाव आने दे, शैतान का आखिरी स्वभाव मुझसे दूर होने पाए, और प्रभु मैं मेरे ऊपर में ध्यान रखूंगा, मेरे बच्चों के ऊपर भी ध्यान रखूंगा, मेरे पड़ोसी के ऊपर मैं ध्यान रखूंगा, और प्रभु जी मेरे रिश्तेदारों के ऊपर मैं ध्यान रखूंगा, मेरे दोस्तों के ऊपर ध्यान रखूंगा, जो कोई मेरे पास आता है, जहां पर आप मुझे भेज देते हैं वहां पर भी मैं आपकी महिमा करूंगा। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, ये वचन के लिए धन्यवाद। ये वचन मैं आपसे बात करने पाए, घर में जाने के बाद भी ये वचन मुझसे बात करने पाए। आपने इस वचनों के द्वारा मुझे आशीर्वाद दे दिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों, मैं सोनिया वंदना चैनल के जरिए प्रभु का वचनों को आपको सुनाया, मैं विश्वास करता हूं ये वचनों को आपने गहराई से सुना। आज भगवान के द्वारा मानव पाप ने डूब गया, लेकिन यीशु को पिता परमेश्वर दुनिया में भेजकर हम सब को नहीं, एक पूरी दुनिया को रचना चाहते हैं। इसलिए हम विश्वासघाती ना होकर हम विश्वास में अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए काम करें, ऐसा है तो परमेश्वर आपको और आशीर्वाद देगा। केवल हमारा ध्यान हमारा घर वालों के ऊपर नहीं, कलीसिया वालों के ऊपर नहीं, उन गरीबों के ऊपर, उन भिखारियों के ऊपर भी हो। बीते कई वर्षों से अभी उत्तर भारत में ठंड बढ़ रहा है,
मैं भिखारियों के लिए कई वर्षों से कपड़ा, गर्म कपड़ा लोगों से लेकर उन तक पहुंचाते थे, लेकिन आज के दिन परमेश्वर के आत्मा यीशु अंडावन से उससे बातें किया, केवल कपड़ा देने से नहीं चलेगा, उनको भोले दे देना है। अब ये कामों करने से हमारे ऊपर आने वाली आशीष वही पर पड़े हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं, अगर आप अमेरिका में हो, अगर आप जर्मनी में हो, दुनिया का कोई भी देश में हो, अगर इंडिया का कोई गांव में नगर में बैठकर आप इस चैनल के जरिए ये वचन सुन रहा है, तो मैं आपसे एक निर्देश दे रहा हूं, आप भी आज से ये काम करें। जरूर आपका स्थिति बदलेगा प्रिय भाई, आपका बिजनेस, आपका काम में जो लगातार गिरावट हो रहे वो दूर होगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जितने रोगी ये बातों को सुन रहे, लाखों रुपये अस्पताल में खर्च करने के बाद भी आपका बीमारी से आपको चंगाई नहीं मिला है, तो गरीबों का ध्यान देने से, इस प्रकार का सेवा करने से तो शीघ्र ही चंगा होगा करके परमेश्वर को वचन मानने पड़ा है। इसलिए ये वचन आपके जीवन में आशीष पाए, आशीष मिला है। आप इस चैनल स्वर्गीय मन्ना का, स्वर्गीय मन्ना टीवी के नाम से यूट्यूब चैनल को औरों को भी बता दे और सब्सक्राइब करे, बेल बटन दबाए, ताकि आपको लगातार हमारा प्रोग्राम हमारे चैनल के द्वारा आप प्राप्त करें। प्रभु आपको आशीष। आमीन। अंध्यकाल अभिषेकम सगल जड़तिन मेलम ओत्तुकाल समयमलो आत्माविल निरक्केणमे अंध्यकाल अभिषेकम सगल जड़तिन मेलम।